पापड़ बनाने के लिए हमेशा सफ़ेद आलू जीपूर आलू ही लेंगे। इससे हमारे पापड़ बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होंगे। इसके लिए आलू को हम उबाल लेंगे और उसका छिलका उतार लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे। जिस थाली में हम आलू को कद्दूकस करेंगे उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि आलू ज़्यादा चिपके ना। सारी आलू हम कद्दूकस कर लेंगे इसी तरह। सारी आलू हमने कद्दूकस कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च है जिसको हमने धूप में सुखा कर पीस लिया है, इसको डालेंगे। जीरा डाल देंगे, आप अजवाइन भी डाल सकते हो, जीरा या तो फिर अजवाइन कुछ भी डालिए। नमक डाल देंगे और हथेली पर थोड़ा सा तेल लगाकर आलूओं को अच्छे से नमक और मिर्च और जीरे के साथ मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया से। इसके बाद हम इसकी लोइयां बनाएंगे हथेलियों पर तेल लगाकर, छोटी बड़ी जिस हिसाब से आपको पापड़ बेलने हो मोटे पतले। सारी लोइयां हम बना लेंगे, फिर हम इसे बेल लेंगे। मैं हमेशा पापड़ घर में ही बनाती हूँ। घर में बनाने के बाद सारे पापड़ पन्नी पर डाल देंगे, इसके बाद हम इसे उठाकर धूप में रख के चले आते हैं। सारे पापड़ हमने बना लिए हैं और इस तरह से एक पन्नी पर इसको फैला दिया है। अब हम इसे धूप में दिखा देंगे एक दिन। ये देखिए पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं और बहुत ही सुंदर पापड़ बने हैं। जब हम इसे तलेंगे तब भी ये इतने ही सुंदर दिखेंगे। तो आप भी इसी तरह से पापड़ ट्राई कीजिए और पापड़ के लिए हमेशा सफ़ेद आलू ही लीजिए तो आपके पापड़ भी ऐसे ही तैयार होंगे।